न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद में शाह आलम दरगाह शरीफ की उर्स की समापन कार्यक्रम में दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाकर सीरिया में मारे गए लोगों के लिए दुआ की गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कल एक चादर चढ़ाई थी यहाँ, अभी आपने सुना सुबह भाई खान ने बोला कि हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ी गई और पूरे विश्व में और उसमें से हिंदुस्तान और गुजरात में शांति अमन और भाईचारा बढ़ता रहे और इसके लिए सब फकीर और हमारे सफीशा बाबा और मस्तान बाबा अख्तर बाबू ये सब हम मिल के कल रात को दुआ की कि गुजरात में शांति अमन बनी रहे और भाईचारा बढ़ता रहे। और बहुत मोहब्बत यहाँ पर मिलती है हम लोगों को सभी को। ये जो चादर चढ़ाई है लाल मखमल की, ये कौमी एकता के प्रतीक चादर चढ़ाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे भरत महाराज, सतीश भाई, कमलेश भाई, जितेश भाई, सब कौमी एकता के प्रतीक सब यहाँ पर भेगी शमसुद्दीन मस्तान और ये जिंदा सा मदार से अख्तर बापू ऐसे सब भेगी हुए हिंदू मुसलमान धर्मगुरु और महाराज सब भेगी हुए। और हमने यही दुआ मांगी सीरिया के लिए कि अल्लाह ताला जो सीरिया के मुसलमानों पे हो रहा है ये कौमी एकता के प्रतीक हमने चादर चढ़ा के वहाँ शांति के लिए दुआ मांगी। पहले हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी, फिर सीरिया के लिए मांगी कि फिर पूरे जो वर्ल्ड में पूरी शांति अमल बना रहे उसके लिए हमने दुआ मांगी और ख़ासकर सीरिया के लिए जो छोटे छोटे मुसलमान बच्चों पर जुर्म हो रहा है। 4 मार्च से शुरू हुआ था, आज 15 मार्च है उसकी समाप्ति, 26 मार्च चांद है और आज से हुजूर गरीब नवाज का उर्स शुरू हुआ है या उर्स समाप्त हुआ है।